वेलकम टू द पार्ट टेन ऑफ फर्स्ट यूनिट दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म तो इसके पार्ट टेन में आज हटैनिकल गार्डनस को कवर करेंगे जो कि एक टेक्सोनोमिकल एड ही है तो बोटैनिकल गार्डन क्या होता है अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो हम क्या करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉलेज है कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका हम क्या करते हैं मान लो इतना एरिया जो है दैट इज़ अंडर द इंस्टीट्यूट या कॉलेज इतने में बिल्डिंग्स आ गई इतने में पार्किंग एरिया आ गया इतने में ग्राउंड वगैरह आ गया तो इतना एरिया जो मैंने क्या किया उसका क्या बना दिया बोटैनिकल गार्डन ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन एक बेसिकली एक ट्रैकट एरिया होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ लगाई जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं अब इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकती हैं या तो उनमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी स्पीशीज़ है प्लांट की जो एग्जॉटिक है हम बाहर से लेके आए थे या तो कोई प्लांट की ऐसी स्पीशीज़ है जो नेटिव है अपनी ही कंट्री की है बट बची है बहुत कम रेयर हो चुकी है वो ठीक है तो ये सारे होते हैं बोटेनिकल गार्डन के तो अब देख लेते हैं ब्रीफ में क्या होता है तो कलेक्शन कल्टिवेशन प्रजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और इनको हम बोटेनिकल नेम से स्पेसिफाई करते हैं और जो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन था वो किसने डेवलप करा था अगेन द फादर ऑफ बॉडनी दैट इज थी ऑफ ठीक है थ्री सेवेंटी टू टू एटी फाइव बी सी में करा था ये ये याद रखना और एक बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है, है हैंगिंग गार्डन तो ग्रीस के लोग ये मानते थे कि दिस इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड अब तो नहीं है बट ये माना जाता था उसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या रहते हैं बोटैनिकल गार्डन के तो वो भी आपको पता होने चाहिए एक तो यहाँ पे हम लोकल फ्लोरा को ग्रो कर सकते हैं ठीक है जो भी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है किसी पर्टिकुलर एरिया की उसको ग्रो कर सकते हैं उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और सिस्टेमेटिक सिस्टेमिक वर्क में भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्लांट मटीरियल को और रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में इसीलिए लगाते हैं बोटैनिकल गार्डन ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकें और रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट है जितने भी रेयर मतलब बहुत कम मिलते हैं देखने को एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे ग्रो करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैम अब कुछ botanical गार्डन देख लेते हैं वर्ल्ड के भी देखेंगे इंडिया के भी देखेंगे अब देखो botanical गार्डन जो होते हैं हर इंस्टीट्यूट में होते हैं हर जगह पे होते हैं तो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट जो कुछ मेजर हैं वो याद कर लेते हैं तो फर्स्ट आता है हमारा कहाँ पर मॉस्क ये है हमारा रशिया में ठीक है तो रशिया में है हमारा मेन बोटैनिकल गार्डन नाम ही इसका क्या है मेन बोटैनिकल गार्डन है और और ये मॉस्क में है रशिया में है और ये सबसे बड़ा गार्डन है अगर पूछें बटैनिकल गार्डन कौन सा है सबसे बड़ा तो दैट इज़ मेन बोटैनिकल गार्डन मॉस्क और अगर आपको याद हो हरबेरियम जो था लार्जेस्ट दैट वॉज द रॉयल बटैनिकल गार्डन हर्बेरियम था रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि क्यू और लंडन में है तो उसके अंदर आता है एक हरबेरियम वही हरबेरियम है सबसे बड़ा बट जब बोटैनिकल गार्डन की बात करते हैं तो दैट इज़ इन मेन बोटैनिकल गार्डन जो कि मॉस्क में लोकेटेड है नाइन हंड्रेड एरिया इसमें कवर्ड है इस तरह से इसकी एंट्रेंस है और दैन सेकेंड कम्स टू द रॉयल बटैनिकल गार्डन क्यू जो कि कहाँ पे है लंडन में तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे ये यह है क्यू क्यू गार्डन्स ठीक है तो यहाँ पे है हमारा रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि लंडन में है और इसका एरिया अराउंड थ्री हंड्रेड एकर्स है इस तरह से इसकी कुछ विजिबिलिटी है उसके बाद थर्ड आ जाते हैं इंडियन पे इंडिया के याद है मैंने आपको हरबेरियम के लिए एक ट्रिक बताई थी के एम एल कमल भी बोल सकते हैं जिसको यहाँ ए ए लगा लो कमल तो के क्या रिप्रेजेंट करता है कोलकाता एम रिप्रेजेंट करता था मद्रास या चेन्नई एंड एल रिप्रेजेंट करता है लखनऊ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है के एम एल ही लिखो इंडिया के अगर आपको याद है एम को रिप्लेस कर दो बाय डी ठीक है, डी मतलब एक दार्जिलिंग बाकी सेम ही है के का वही है कोलकाता में इंडियन बोटेनिकल गार्डन और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है ये एशिया का दैट बिकम इम्पॉर्टेंट ठीक है और एरिया कितना कवर्ड है अराउंड टू सेवेंटी थ्री एकर्स तो ये जो मैंने पिक्चर लगाई है आप इससे याद रख सकते हो उसको ये बनियन ट्री है और ये जो ना नीचे को दिख रहे हैं छोटे छोटे दीज आर द प्रॉप रूट्स प्रॉप रूट्स बोलते हैं ये बनियन में प्रॉप रूट्स होती हैं ये प्रॉप रूट्स हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे अभी कि क्या होती हैं पर इनको फ़िलहाल के लिए आप याद रख लो क्या बोलते हैं इनको प्रॉप रूट्स ये ऊपर वाली साइड से नीचे तरफ को लगती हैं ये ठीक है हैंगिंग होती हैं बेसिकली ठीक है तो ये होती हैं प्रॉप रूट और ये बनियन ट्री सबसे बड़ा है यहाँ पे अगेन कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में ही है और टू सेवेंटी थ्री एकड़ का एरिया कवर है इसका टोटल गार्डन का और इसका बनियन का फाइव एकड़ इतना एरिया है कि जो बोटेनिकल गार्डन का फाइव एकड़ एरिया इसी बनियन ट्री ने कवर कर रखा है और उसके बाद फोर्थ आ जाता है लॉयड बोटेनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है और इसमें फोर्टी एकड़ एरिया है दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ लॉइड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग ठीक है उसके बाद फिफ्थ आता है लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है और ये कुछ इस तरह से दिखता है ठीक है अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और यस अगर आप इससे पिछली वीडियोस नहीं देखें तो वो भी देख लें उसमें मैंने टेक्सोनॉमिकल रेट्स को सेपरेटली ही डिफ़ाइन करा है ठीक है तो वीडियो को लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें थैंक यू